गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 15 अमरनाथ की यात्रा। ये एक रियल स्टोरी है और ये कन्हैया लाल नंदन जी की है। जब वो अमरनाथ यात्रा के लिए गए थे, वहाँ पर उनको इस यात्रा में उनके साथ क्या क्या मुश्किल हुई, कितनी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा और कितना उन्हें आनंद आया और ये यात्रा उनकी पूरी हुई क्या नहीं, यही सब वो इस स्टोरी में हमें बता रहे हैं। पिछले साल में जिस हादसे से होकर गुजरा था, उसका स्मरण आज भी मन में सिहरन पैदा करता है। वो कह रहे हैं, पिछले साल जो दुर्घटना मेरे साथ हुई थी, अगर आज भी मैं उसको याद करता हूँ तो मन में एक डर पैदा होता है। वह क्षण मौत से सीधे साक्षात्कार का क्षण था। मौत बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, लेकिन भाई लोगों ने मेरी हालत देखकर घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। करीब साढ़े बारह हज़ार फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकते ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी तीन पर्वत चोटियों की वो बात कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले ही बता दिया गया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाएगी। उनको पहले ही ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर चढ़ेंगे, आपको ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी। लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो ना ऑक्सीजन की भावी कमी का एहसास सताता है और ना डर लगता है। लेकिन जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आता है। लेकिन जब हमारी बॉडी जवाब दे देती है, हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, तो हमें भगवान याद आते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। महागुनस की चोटी और टट्टू की वह खतरनाक दौड़। शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा कि उससे निकलने वाली नील गंगा भी खूबसूरत हो उठी है। लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुनस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया गया। जब वो लोग महागुनस की चोटी पर आगे बढ़े तो उनको घोड़े पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसा लग रहा था उनको जैसे एक मन बोझ उठाकर खड़ा हुआ हो। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मत मोल लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज़ है, आप टट्टू पर सवार हो लीजिए। चुनांचे टट्टू जी की शरण ली।